हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 5 के अंतर्गत कबीर के पदों की व्याख्या के ऊपर, जिसमें हमने पद संख्या 186 से लेकर 190 को लिया है, जिसकी हम व्याख्या करेंगे और परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनके तरफ संकेत करेंगे, जिससे कि आगामी परीक्षा में आपको आसानी महसूस हो। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लगातार इन व्याख्याओं को देख रहे होंगे और अपने नोट्स को बना रहे होंगे। तो चलते हैं, हम बात करते हैं जो पहला पद है यानी कि पद संख्या 186, कुछ इस प्रकार है। पद का हम पाठ करेंगे और उम्मीद करेंगे कि जैसे ही पाठ किया जाए आप लोग भी अपने मन में इन पंक्तियों को दोहराइए, जिससे कि अर्थ खुलेगा और आपको आनंद भी आएगा और आपको लगेगा कि मैं क्लास में ही बैठा हूं। तो चलते हैं, पाठ करते हैं। कैसे जीवेगी बिरहनी पिया बिन, काजे कौन उपाय। दिवस न भूख रैन नहीं सुख है, जैसे कर जुग जाम। खेलती फाग छाड़ चल सुंदर, तज चल धन औ धाम। बन खंड जाए नाम लो लाओ, मिल पिए से सुख पाए। तलफत मिन बिना जल के जैसे, दर्शन लीजे धाम। बिना आकार रूप नहीं रेखा, कौन मिलेगी आय। आपन पुरुष समझ ले सुंदरी, देखो तन निरताय। शब्द स्वरूपी जीव पियो बूझो, छाड़ो भ्रम की टेक। कहे कबीर और नहीं दूजा, जुग जुग हम तुम एक। तो आप देख रहे हैं कि इस पूरे पद में कबीर दास ने विरहणी जीवात्मा की दशा का वर्णन किया है। यानी फिर से यहां पर आप देख रहे हैं कि विरहणी जीवात्मा की दशा का चित्रण किया गया है, इसके पहले के पदों में भी किया गया है, ठीक है। इसके बाद इसमें रहस्यवाद को भी कबीरदास ने प्रस्तुत किया है और अलंकार है इसमें, जिस पर कि हम बातचीत करेंगे। तो इसकी व्याख्या करते हैं, कैसे जीवेगी बिरहनी पिया बिन काजी कौन उपाय। कबीरदास कहते हैं कि बिरहणी जीवात्मा अपने प्रियतम के बिना भला कैसे जीवित रहेगी, कैसे जीवेगी बिरहिणी पिया बिन, प्रियतम के बिना बिरहिणी कैसे जीवित रहेगी, काजे कौन उपाय। चाहे कितना उपाय किया जाए वह प्रियतम के बिना जीवित नहीं रह सकती। दिवस न भूख रैन नहीं सुख है, न दिन में भूख उसे लग रही है, न रात में ही उसको चैन की नींद आ रही है, क्योंकि रात हमारे लिए आराम करने का समय होता है, ठीक है। भले हम परीक्षाओं के दिनों में रात में बैठकर पढ़ते हों, लेकिन प्रकृति के हिसाब से देखा जाए तो दिन है भाग दौड़ का, अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए काम काज करने का समय दिन है, और रैन रात सुख की का क्षण है, यानी कि सोने का समय। तो आप देख रहे हैं कि जो बिरहणी है, जो जीवात्मा है, वो अपने प्रियतम के अभाव में कैसे जिएगी, उसके बिना कैसे रह जाएगी। कितना भी उपाय किया जाए, उसको भुलवाने का प्रयास किया जाए, फिर भी वो बार बार अपने प्रियतम की ही रट लगाए हुई है। उसे दिन में न भूख है और न रात में सुख है, यानी चैन की नींद भी नहीं। जैसे कर जुग जाम, और ऐसे लग रहा है कि उसके लिए हर क्षण एक युग के समान लग रहा है, बहुत टाइम टेकिंग वाला समय लग रहा है, बहुत भारी समय लग रहा है। क्योंकि जब आप किसी की प्रतीक्षा करते हैं, किसी की याद में होते हैं, तो आपके लिए वह क्षण बहुत कीमती होता है और उसका जो मापदंड होता है बहुत लंबा लगता है। मान लीजिए आपको इंटरव्यू देने जाना है और इंटरव्यू कक्ष में आप बैठे हुए हैं, तो आपको लगेगा कि आपका एक एक मिनट 10-10 मिनट या फिर 15-15 मिनट के बराबर है। आपको लगेगा कि मैं बहुत देरी से यहाँ पर बैठा। उसी तरीके से अगर आप किसी की याद में हैं, किसी की प्रतीक्षा में हैं, तो आपके लिए वो समय कटना मुश्किल है। आगे कबीरदास कहते हैं, खेलती फाग छाड़ चलु सुंदर, तज चलु धान धन और धाम। कहते हैं कि हे जीवात्मा, तू सखियों के साथ राग रंग छोड़कर मेरे साथ चलो, तज चलु धन और धाम। और इसके साथ ही जो धन दौलत है उसको भी छोड़कर, घर की मोह माया को छोड़कर, उस प्रियतम का बन खंड जाए नाम लो लाओ।
उस प्रियतम का नाम स्मरण करो, उसको याद करो और वन में जाकर उससे मिलने का प्रयास करो, तभी तुमको मिली प्रिय से सुख पाए और प्रियतम से मिलने के बाद तुमको सुख की अनुभूति हो। और नीचे उदाहरण दे रहे हैं, तलफत मीन बिना जल कैसे जैसे दर्शन लीजिए धार। और कह रहे हैं कि तुम्हारी स्थिति तो उस मछली की तरह हो गई है, जैसे मछली बिना जल के तड़पती है वैसे ही तुम भी अपने प्रियतम के लिए तड़प रही। तलफत मतलब तड़पना, ठीक है। हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए इसका अर्थ, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट्स किया था और मैंने भी पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखा था, तो वहां पर शब्दों की मीनिंग भी पूछ ली गई, तो इसलिए आपको ध्यान से यहाँ पर देखना है। तलपत मीन बिना जल जैसे, जैसे मछली बिना जल के तड़पती है वैसे तुम भी अपने प्रियतम के दर्शन को नहीं पा रही हो, तो तुम्हारे अंदर भी व्याकुलता है। दर्शन लीजिए धाम, तो इसलिए तुम सारी चीजों को छोड़ दो, सखियों के साथ जो भी राग रंग की क्रीड़ा है, तुम्हारे पास जो धन दौलत है, सबको छोड़कर वन में जाकर तपस्या करो, प्रियतम का जाप करो, उसका नाम लो, तो जरूर तुमको सफलता मिलेगी, प्रियतम का दर्शन होगा। इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ पर रहस्यवाद है, ठीक है। किस प्रियतम की बात की जा रही है? वो प्रियतम रहस्यवाद, यानी कि अज्ञात के प्रति जिज्ञासा का मन वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो कबीरदास लिखते हैं कि तलफत मीन बिना जल जैसे दर्शन लीजे धाय। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उदाहरण अलंकार है, ठीक है। यहाँ पर जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है, हो सकता है पूछ लिया जाए यही पंक्ति कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो आपको तुरंत बताना है कि उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो मछली की तरह स्थिति हो गई है बिरहणी जीवात्मा की। आगे कहते हैं, बिना आकार रूप नहीं रेखा कौन मिलेगी आय। जैसा कि आप जानते हैं कबीर निर्गुण धारा के कवि हैं, तो वो कहते हैं कि उस परमात्मा रूपी प्रीतम की न तो कोई रूप रेखा है और न ही कोई गुण है, फिर तू उसे कैसे पहचानेगी। बिना आकार रूप नहीं रेखा कौन मिलेगी आय। तो जिस प्रियतम से तुम मिलना चाहती हो उसका न कोई आकार है, इसीलिए तो निर्गुण कहा गया, न कोई रूप है और न ही कोई रेखा है, तो फिर कैसे उसको पहचान पाओगी, उसको कैसे जान पाओगी। इसलिए आपन पुरुष समझ ले सुंदरी, देखो तन निरता। इसलिए हे जीवात्मा रूपी सुंदरी, तू अपने उस पुरुष को यानी उस प्रियतम को अच्छी तरह समझ ले कि वह रूप आकार एवं शरीर से रहित है। शब्द स्वरूपी जीव पियो बूझो, छाड़ो भ्रम की टेक। तो अपने प्रियतम को पाने के लिए भ्रम की टेक, भ्रम को त्यागो, भ्रम से मुक्ति पाओ और इस निराकार प्रिय को प्राप्त करने के लिए तुम वन में जाओ और एक तरीके से तपस्या करो। आगे कहते हैं, कहे कबीर और नहीं दूजा, जुग जुग हम तुम एक। और आखिर में कबीरदास कहते हैं कि बाद में पता चलेगा जब यह भ्रम का पर्दा हटेगा। भ्रम अज्ञानता की तरफ संकेत किया जा रहा है। जब किसी चीज की अज्ञानता होती है तो हम भ्रम में रहते हैं। अज्ञानता होती है कि यहाँ पर हम अगर पढ़ रहे हैं तो मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, क्योंकि इस भ्रम से आपको उबरना पड़ेगा। आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड ही चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए ही ये लेक्चर है, तो इस भ्रम से निकलना पड़ेगा तभी आप सफलता पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसको अपने से भी जोड़कर आपको देखना है। कबीरदास कहते हैं कि कहे कबीर और नहीं दूजा, जुग जुग हम तुम एक। कहते हैं कि जब भ्रम का पर्दा हट जाएगा तो तुमको ये मालूम होगा कि कोई अलग नहीं है, जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं। अक्सर आप देखेंगे भक्ति काल में तो जीव और ब्रह्म को लेकर अलग अलग डिबेट्स है। कुछ लोगों का मानना है कि दोनों एक है, जैसे आपने पढ़ा होगा अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, तो इन्हीं चीजों को लेकर डिबेट किया गया। यहाँ पर भी कबीर का मानना है कि ब्रह्म और जीव दोनों एक है, हम तुम एक है। तो इस पूरे पद में कबीरदास ने विरहणी आत्मा का चित्रण किया, फिर अपनी बातों को रहस्यवाद की के आधार पर समझाने का प्रयास किया और अंत में उन्होंने अद्वैतवाद की स्थापना की, जीव और ब्रह्म को एक माना, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये पूरा पद आपको समझ में आ गया होगा। कबीरदास समझाते हुए कहते हैं कि बिरहणी जीवात्मा
प्रियतम के बिना भला कैसे जीवित रह सकती है। कितना भी उपाय कीजिए उसका मन नहीं लगेगा। उसे दिन में न भूख लग रही है, रात में न कोई सुख है न चैन है, और उसके लिए एक एक क्षण भारी पड़ रहा है, कट नहीं रहा है। इसलिए प्रियतम को प्राप्त करने के लिए अपनी सखियों के साथ जो भी राग रंगरेलियां हैं, क्रीड़ा है इत्यादि को छोड़कर, धन दौलत को छोड़कर वन में जाओ और वहां अपने प्रियतम का नाम लो। उम्मीद है कि वहां पर प्रियतम मिल जाएगा और तुमको सुख की प्राप्ति होगी। तुम्हारी स्थिति को देखकर तो यही लग रहा है जैसे मछली को जल से निकाल दिया जाए तो वो तड़पती है, वैसे ही तुम भी अपने प्रियतम के बिना दर्शन के तड़प रही हो। और जिस प्रियतम की खोज में हो उसका न कोई रूप है, न आकार है, न रेखा है, इसलिए तुम कैसे उसको पहचानोगी। इसलिए तुमको भ्रम का पर्दा है उसको हटाना पड़ेगा और उसको खोजने के लिए वन में जाना पड़ेगा और वहां पर एक तरीके से नाम स्मरण करना पड़ेगा। और जैसे ही भ्रम का पर्दा हटेगा तब तुम देखोगी कि जिस प्रियतम के लिए मैं परेशान था वो तो उसमें कोई अंतर नहीं है। जीवात्मा और ब्रह्म, परमात्मा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, दोनों क्या है, एक है। तो ये यहाँ पर आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं, अगला जो पद है पद संख्या 187, कुछ इस प्रकार है। भीजे चुनरिया प्रेम रस बूदन, आरत साज के चली है सुहागिन, पी अपने को ढूंढन, काहे की तोरी बनी चुनरिया, काहे को लगे चारों कुंदन, पांच तत की बनी चुनरिया, नाम के लागे फुंदन, चढ़ गए महल खुल गई रे किबरिया, दास कबीर लागे झूलन। तो ये ऐसा पद है कि इसको गाया भी जा सकता है, तो संगीत भी आपको दिखाई पड़ रहा है। और ये इस पद में एक बार फिर से कबीरदास ने रहस्यवाद को आधार बनाते हुए इस पूरे पद को निर्मित किया है। इसमें आत्मा परमात्मा के मिलन के बाद आनंद की स्थिति को दर्शाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। और प्रतीकात्मक शैली में कबीरदास ने अपनी बातों को रखा है। चुनरी शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, चुनरी शब्द प्रतीक के तौर पर प्रयुक्त हुआ है। जैसे हम व्याख्या करेंगे तो और बाकी चीजें खुल जाएंगी। जैसे यहाँ पर किबरिया, किबरिया शब्द है ये भी क्या है, प्रतीक के तौर पर ही है। सुहागिन शब्द है ये भी प्रतीकात्मक रूप में ही है। तो धीरे धीरे हम इसको बात करेंगे। इसमें अलंकार है, रूपक अलंकार को ज्यादातर यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। कबीरदास कहते हैं कि भीजे चुनरिया प्रेम रस बूंदन। मैंने रूपक अलंकार क्यों कहा, क्योंकि कई व्याख्या में मैंने बताया कि जब दो शब्दों के बीच में संयोजक का चिन्ह रहे तो ज्यादातर वहां पर रूपक अलंकार का ही प्रयोग होता है। इसलिए रूपक की परिभाषा को बिना ध्यान में रखे हुए इस लक्षण के आधार पर भी आप आंसर अपना बता सकते हैं। कबीरदास कहते हैं भीजे चुनरिया प्रेम रस बूंदन कि इस जीवात्मा की यह सुंदर शरीर रूपी चुनर प्रेम रस से पूरी तरह भीग गई। भीजे चुनरिया प्रेम रस बूंदन, प्रेम रस के बूंदों से ये चुनरिया पूरी भीग गई। आरत साज के चली है सुहागिन, पी अपने को ढूंढा। और ये सुहागिन, सुहागिन कब कोई होता है, जब उसके पास उसका प्रियतम होता है। प्रियतम के अभाव में आप देख रहे हैं कि बिरहनी का रूप दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही प्रियतम उसके पास है तो वो सुहागिन है, उसके लिए श्रृंगार करती है, उसके लिए जो भी एक सुहागिन स्त्री करती है यहाँ पर उसको दिखाया गया है कि अपने प्रियतम से मिलने के लिए, उसको ढूंढने के लिए जो जीवात्मा है वो ज्ञान की आरती सजाकर और अपने तन मन को प्रेम से भिगोकर प्रियतम से मिलने के लिए तत्पर है। आरत साज के चली है सुहागिन, पी अपने को ढूंढा। सुहागिन ज्ञान रूपी आरती को सजाकर यानी पूरा सचेत होकर अपने प्रियतम को ढूंढने के लिए निकली हुई है। पीछे के पद में बताया गया कि प्रियतम का कोई रूप है, ना आकार है, ना रेखा है, कैसे पहचान पाओगे, लेकिन यहाँ पर भ्रम का पर्दा हटा दिया गया है। और उस भ्रम के पर्दे को हटाने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हो गई है जीवात्मा को और वो एकदम सचेत होकर प्रियतम को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। आगे कबीरदास कहते हैं काहे की तोरी बनी चुनरिया, काहे को लगे चारों फुंदन। और कहते हैं इस जीवात्मा के इस सुंदर शरीर रूपी चुनर किससे निर्मित है, काहे की तोरी बनी चुनरिया, ये चुनरिया किससे निर्मित है, काहे को लगे चारों कुंदन। और
चुनरी में आप देखते हैं कि अगर आप लोगों ने चुनरी देखा होगा तो उसमें गोल गोल इस तरीके से लगा रहता है फुंदन, जिसको भोजपुरी में फुलना शब्द बोलते हैं, फुलना लगता है। ठीक है, एक तरीके से कलाकारी में ही आता है। अगर आप लोगों ने चुनरी को गंभीरता से नहीं देखा होगा तो आज जरूर देखिएगा, क्योंकि तो ये व्याख्या आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पर पूछा गया कि काहे की तोरी बनी चुनरिया, काहे को लगे चारों ओर चारों फुंदन, पांच तत की बनी चुनरिया। पहले तो सवाल पूछा जा रहा है कि किस चीज की तुम्हारी ये चुनरी। चुनरी यहाँ पर एक तरीके से शरीर का प्रतीक है, इस चीज को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है सवाल पूछ लिया जाए कि इस पद में चुनरिया शब्द का प्रयोग किस अर्थ में आया हुआ है, तो शरीर के अर्थ में आया है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। पहले सवाल कबीरदास करते हैं, फिर इसके बाद उसी का जवाब देते हैं कि पांच तत्व की बनी चुनरिया, ये जो चुनरी है, ये शरीर है, पांच तत्वों से निर्मित है। अब वो पांच तत्व कौन है, आप लोग जरूर इसको नोट करिए। क्षितिज जल पवक पावक गगन समीरा, यानी पृथ्वी जल आकाश अग्नि और वायु से निर्मित है। इसको मैं लिख देता हूं, पृथ्वी जल, ठीक है, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा, यहाँ भी आपको पढ़ना है। आकाश, इसके बाद अग्नि, फिर वायु, ठीक है। क्षितिज जल पावक गगन समीरा, इन्हीं पांचों तत्वों से हमारी शरीर निर्मित है। नाम के लागे फुंदन, और जो इसमें फुंदन लगे हुए हैं, जो इसमें फुलना लगा हुआ है, जो इसमें कलाकृति हुई है, वो प्रियतम के नाम की लगी है। ठीक है, इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि लोग अपने प्रियतम या प्रियतमा को कोई गिफ्ट करते हैं तो वहां पर अपना कोई ना कोई नाम लिख देते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब सीता का अपहरण हुआ था तो राम ने भी अपने नाम की ही अंगूठी उनको दी थी, जिससे कि पता चल गया कि ये राम का ही है। तो आप धीरे धीरे इस चीजों को समझ रहे होंगे कि जो शरीर है, चुनरी रूपी शरीर, ये पांच तत्वों से बनी हुई है, और इसमें जो फुंदन लगे हुए हैं वो प्रियतम के नाम स्मरण के लगे। चढ़िए महल खुल गई रे किवरिया, दास कबीर लागे झूला। और अंत में कबीरदास कहते हैं कि परमात्मा से मिलने के बाद ऐसा लगा कि जीवात्मा परमात्मा आनंद के झूले झूलने लगे। चढ़ गए महल खुल गए रे किवरिया, जैसे ही जहां प्रियतम है, ऐसा माना जा रहा है कि प्रियतम कहीं नीचे अंडरग्राउंड नहीं रहता है, इसलिए कई जगह देखे होंगे कि ये लिखा गया कि जो प्रियतम है उसकी अटरिया ऊंची। पीछे के पदों में आपने कई जगहों पर देखा होगा, तो यहाँ पर भी चढ़ गए महल, यहाँ पर महल के अंदर नहीं बताया गया बल्कि प्रियतम ऊंचाई पर रहता है। वहां पर जैसे ही जीवात्मा प्रवेश करती है, वैसे दीवार जो वहां पर दरवाजे लगे हुए हैं वो खुल जाते हैं, वहां पर प्रियतम का दर्शन कर लेती है, क्योंकि वो तो ढूंढने के लिए गई हुई है, उसको मालूम है कि प्रियतम कहाँ बैठा हुआ है, महल के ऊपर ही बैठा है। खुल गए रे केवरिया, और दरवाजे खुल जाते हैं, यानी कि मिलन हो जाता है, और इसके बाद आत्मा परमात्मा एक दूसरे से मिलकर झूलन आनंद की प्राप्ति करते हैं। अगर आप लोगों ने झूला झूला होगा तो कोई कभी नहीं हंसता है तो भी झूले पर बैठता है तो अचानक आनंद की प्राप्ति से होने लगती है, कई लोग डरते भी हैं। तो क्या आप लोग भी झूला इत्यादि झूलते हैं? तो बहुत सारे लोग डरते हैं, बहुत सारे लोग नहीं डरते हैं, और झूले की भी अलग अलग प्रकृति आ गई है। ब्रेक डांस आ गया है तो गोल वाला एक झूला होता है बहुत, ठीक है, डरावना, तो इस टाइप से। तो ये पद में कुछ ये था कि जो जीवात्मा है वो प्रेम रस से युक्त होकर ज्ञान रूपी आरती को ध्यान में रखते हुए, यानी कि सचेत होकर सुहागिन का रूप धारण करते हुए अपने प्रियतम को ढूंढने के लिए निकल गई है। कबीरदास सवाल करते हैं यहाँ पर कि जो चुनरिया है वो किस चीज की बनी है, और उसमें जो भी फुंदन लगे हुए हैं किस चीज के लगे हुए हैं, और नीचे उत्तर दिया जाता है जो कि आपके लिए परीक्षा में प्रश्न के तौर पर आ जा सकता है कि पांच तत्व की ये शरीर बनी हुई है और इसमें जो भी फुंदन लगे हुए हैं ये नाम स्मरण के आधार पर लगे हुए हैं, यानी प्रियतम के नाम के ही कुंदन लगे हैं, और प्रियतम से मुलाकात महल में हुई है, यानी ऊपरी हिस्से में हुई है, जहां पर दरवाजा खुला, यानी कि प्रियतम और प्रियतमा, यानी आत्मा और जीवात्मा एक दूसरे से मिलते हैं और फिर आनंद की प्राप्ति होने लगती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि श्रृंगार रस का भी वर्णन एक तरीके से कबीरदास ने किया है। एक चीज और आपको ध्यान में रखना है प्रतीक के तौर पर कि चुनरिया शब्द जो आया हुआ है ये शरीर के लिए आया है, सुहागिन शब्द जो आया हुआ है ये जीवात्मा के लिए आया है, इसको पूरा नोट कर लीजिए आप, क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चढ़िए महल
यहां पर जो है एक एक पद में मैंने ईड़ा, सुषुम्ना और पिंगला नाड़ी के बारे में बातचीत किया था, जो कि एक तरीके से कुंडलनी योग की तरफ संकेत करती हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें रहस्यवाद को दिखाया गया है और कबीरदास के ऊपर नाथ सिद्ध साहित्य का भी प्रभाव है। तो जड़गे महल यहाँ पर उसी कुंडलनी योग की तरफ संकेत किया गया है, ठीक है। मतलब जो प्रियतम है उसकी प्राप्ति हम आसानी से नहीं कर सकते हैं, उसके लिए इन तमाम योगासनों से हमें गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये पूरा पद आपको समझ में आ गया होगा, मैंने पूरा समझाने का प्रयास किया है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले पद के ऊपर। अगला पद है, मैं अपने साहब संग चली, हाथ में नरियल मुख में बीड़ा, मोतियन मांग भरी, लिल्ली घोड़ी जरद बछेड़ी, तापे चढ़ के चली, नदी किनारे सतगुर भेंटे, तुरत जन्म सुधरी, कहे कबीर सुनो भाई साधु, दो कुल तारी चली। यहां पर आप देख रहे हैं कि कुछ शब्द आए, साहब संग चली, क्या लेकर चली, नरियल बीड़ा मोतियन की मांग भरी, लिल्ली घोड़ी जरद बछेड़ी, तापे चढ़ के चली, उस पर चढ़कर चली, नदी के किनारे सतगुरु मिली। देखिए सतगुरु केवल YouTube पर ही नहीं मिलते हैं, नदी के किनारे भी मिल जाते हैं। तो नदी किनारे सतगुरु मिले भेटे, तुरंत जन्म सुधरी और तुरंत ही उसके जीवन में सुधार आया, कहे कबीर सुनो भाई साधु, कबीर एक बार, क्योंकि कई बार आपको लगेगा कि कबीर उपदेश दे रहे हैं, वहां पर संत बैठे हुए हैं हाथ जोड़कर आराम से बैठे हुए हैं, इनकी बातों को सुन रहे हैं। कहते हैं सुनो भाई साधु, दो कुल तारी चली, एक तरीके से यहाँ पर दो कुलों को तार दिया गया, संसार और परलोक, ठीक है। तो व्याख्या करते हैं, कबीरदास कहते हैं कि जीवात्मा अपने आनंद का वर्णन करती हुई कहती है, मैं तो अपने प्रियतम के साथ जा रही, और एक गाना है कि पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साधन के द्वारे चली रे, कुछ वैसे ही है, मैं अपने साहब संग चली, मैं तो अपने साहब यानी प्रियतम के साथ चली, यानी चलना शुरू कर दी, उनसे उनसे भेंट हो गई है, या फिर मैं अपने प्रियतम के साथ जा रही हूँ। जा रही हूँ तो क्या कर रही हूँ, हाथ में क्या क्या लिए, हाथ में नरियल, उसके एक हाथ में नरियल है, मुख में बीड़ा, और मुख में बीड़ा है यानी कि पान का बीड़ा है, और इंटरेस्टिंग बात है कि अभी भी यहाँ पर उसका सुहागिन रूप दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अभी उसके पास प्रियतम है, तो मांग में उस सिंदूर नहीं भरी है, मोतियन मांग भरी, मोतियों से अपनी मांग को वो भरी हुई है, यानी कि उसके प्रियतम है उसके साथ, इसका एक तरीके से प्रमाण है। इसके बाद क्या है, लिल्ली घोड़ी, लिल्ली नाम की घोड़ी, जरद बछेड़ी, पीली बछेड़ी, ठीक है, पर चढ़कर वह अपने प्रियतम के साथ ससुराल जा रही है। यहां पर लिल्ली शब्द घोड़ी के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसको भी ध्यान में रखिए, जरद मतलब पीला, बछेड़ी मतलब बछेड़ी, यानी कि लिल्ली घोड़ी की पीली बछेड़ी पर चढ़कर वह अपने प्रियतम के साथ ससुराल जा रही है। इसी बीच रास्ते में जा रही है, नदी किनारे सतगुरु भेंटे, तुरंत जन्म सुधरी, और जैसे ही जा रही है नदी के किनारे पर उसकी भेंट सतगुरु से हो जाती है, स्टोरी आप समझिए। और जब भी भेंट होती है सतगुरु से, तो उसको लगता है कि उसका जन्म सुधर गया, धन्य हो गया उसका जन्म, जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि आपसे मुलाकात होने के बाद मेरा जीवन धन्य हो गया, तो यहाँ पर भी सतगुरु के मिलने के बाद धन्य हो गया, कहे कबीर सुनो भाई साधु, दो कुल तारी चली, और इस मुलाकात के बाद ऐसे लगा कि दो कुलों का तारण हो गया, यानी संसार और परलोक, क्योंकि जो प्रियतम है एक तरीके से वो परलोक, रहस्यवाद यहाँ पर भी है, और जो सतगुरु है, प्रियतम और सतगुरु दोनों से मुलाकात हो रही है, तो यहाँ पर इन्हीं को दो कुल मान लिया गया, ठीक है। तो इस पूरी व्याख्या में कबीरदास ने अपने पद के माध्यम से जीवात्मा परमात्मा को आधार बनाते हुए आध्यात्मिक अनुभूतियों को बतलाया, आध्यात्मिक अनुभूतियों को बतलाया है। इसके बाद
दांपत्य जीवन को भी यहां पर दर्शाया गया, दांपत्य जीवन यानी पति पत्नी के जीवन को दर्शाया गया है। इसके बाद जीव और ब्रह्म के मिलन की भी बात यहां पर की गई है, क्योंकि यहां पर दो कुल आपस में मिल रहे हैं, तो यहां पर जीव और ब्रह्म दोनों की मिलन की बात कही जा रही है। और इसमें सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है कबीरदास के माध्यम से। तो ये कुछ विशेषताएं थी, और पद आपको समझ में आ गया होगा मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर कुछ बिंब आपको दिखाई पड़ रहे होंगे कि एक सुहागिन स्त्री है जो अपने प्रियतम के साथ जा रही है, हाथ में नारियल लिए, मुख में पान का बीड़ा लिए, और उसकी जो मांग है वो मोतियों की माला से भरी हुई है, यानी कि उसको मनटीका बोलते हैं कई बार, ठीक है, और वो लगाई हुई है। और किस पर बैठी हुई है? लीली घोड़ी की पीली बछेड़ी पर बैठी है, और उस पर बैठकर अपने ससुराल जा रही है। इसी बीच रास्ते में नदी के किनारे सतगुरु से मुलाकात होती है, भेंट होती है, और भेंट होने के बाद उस दोनों को, क्योंकि दोनों है वहां पर जीवात्मा और परमात्मा, दोनों को लगता है कि उनका जीवन धन्य हो गया। और इसी बात पर कबीरदास उन सभी संतों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि इस तरीके से कोई एक उसमें नहीं लाभप्रद हुआ, उसको फायदा नहीं हुआ, बल्कि दोनों कुलों को तार दिया गया, दोनों कुल धन्य हो गए। इस तरीके से ये पूरी व्याख्या यहाँ पर खत्म होती है। आगे बात करते हैं अगला जो पद है। अगला पद है गुरु मोही घुटिया अजर पियाई, गुरु मोही घुटिया पियाई भई सुचित मेटी दुचिताई, नाम औषधि अधर कटोरी पियत अधाय कुमति गई मोरी, ब्रह्म विष्णु पिए नहीं पाए खोजत शंभु जन्म गवाए, तुरत निरत करी पिए जो कोई कहे कबीर अमर होए सोई। तो इस पद में आप देख रहे हैं कि कबीरदास ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है, ठीक है, क्योंकि कबीरदास की कविताओं की एक खास विशेषता है गुरु महिमा का बखान या फिर उसकी महत्ता का प्रतिपादन करना। कहते हैं कि गुरु मोहि घुटिया अजर पिलाए, गुरु ने हमें एक ऐसी घुट्टी, और वो घुट्टी क्या है? राम नाम की घुट्टी, राम नाम की घुट्टी ऐसी पिलाई कि मेरा जीवन जो है वो अजर अमर हो गया, मेरा मन निर्मल एवं पवित्र हो गया, ठीक है। गुरु मोहि घुटिया अजर पिलाई, ऐसी अजर घुट्टी राम नाम की पिलाई कि यह घुट्टी पिलने के बाद पीने के बाद भई सुचित मेटी दुचिताई, मेरा मन शरीर क्या हो गया? सुचित हो गया, पवित्र हो गया, निर्मल हो गया, ठीक है, और जितनी भी चिंताएं थी सभी मिट गई। यानी कि गुरु के मिलने के बाद आपने देखा होगा बहुत सारे गुरुओं को जिसमें आप विश्वास करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, तो आपके मन में तमाम चिंताएं जो होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, और आपका मन बड़ा शांत होता है, निर्मल हो जाता है, आपके अंदर एक एनर्जी आने लगती है। यही बात यहाँ पर कही जा रही है। यहाँ पर अगर आप परीक्षार्थी के दृष्टिकोण से देखें तो राम नाम क्या है? राम नाम आपकी किताबें हैं, आपकी जो भी आपके नोट्स हैं, जो भी ये लेक्चर है, क्योंकि ये भी घुट्टी की तरह ही आपको पिलाया जा रहा है, पर डे आपको कुछ न कुछ बताया जा रहा है, आपको एनर्जेटिक रखने के लिए, आपकी चिंताओं को दूर करने के लिए। तो व्याख्या को अपने से जोड़कर आप अगर करेंगे, इसको कहीं लिखना नहीं है, लेकिन जब आप अपने से जुड़ेंगे तो आपको एक आत्मीय लगाव आएगा, आपको लगेगा कि जो मैं साहित्य पढ़ रहा हूँ, आज जो लोग कबीर को पढ़ रहे हैं, तो उसका क्या मतलब? उसका यही मतलब है कि इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद आपके मन में एक नई ऊर्जा आएगी, आपको लगेगा कि गुरु का क्या महत्व है। गुरु ऐसा एक प्राणी है जो कि तमाम चिंताओं को हर लेता है, मन को निर्मल कर देता है, पवित्र कर देता है, शांत कर देता है। और कबीरदास आम गुरुओं की बात नहीं करते हैं, बार बार वो सतगुरु की बात करते हैं। आगे लिखते हैं नाम औषधि अधर कटोरी पियत अधाय कुमति गई मोरी, और कहते हैं कि जब से मैंने राम नाम रूपी औषधि को पिया है, या फिर किस चीज में पिया है? अधर कटोरी, कटोरी से लगाकर पिया है, पियत अधाय कुमति गई मोरी, और पीने के बाद ही मेरे मन में जितनी भी दुर्बुद्धि थी वो सब नष्ट हो गई,
जब चीजें क्या हो गई, खत्म हो गई, समाप्त हो गई, मैं अब सही दिशा में सोचने लगा। ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा विष्णु पिए नहीं पाए, खोजत शंभु जन्म गवाए। और जिस चीज को, जिस अमृत को ब्रह्मा विष्णु चाहते हुए भी नहीं पी पाए, उसको खोजते हुए शंभु जन्म गवाए। शंभु मतलब शिव, शंकर भगवान। शंकर जी ने अपना पूरा जीवन ही गवा दिया, यानी कुर्बान कर दिया, उसमें लगा दिया। ठीक है, इसलिए कहते हैं कबीरदास, सूरत निरत कर पिए जो कोई, कहे कबीर अमर होए सोई। और कहते हैं कि गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान अमृत को जो भली भांति तृप्त होकर पीता है वही अमर हो जाता है। यहाँ पर उन्होंने सूरत निरत, एक तरीके से ये तप के तरफ संकेत किया गया है कि जो भी व्यक्ति या फिर जो भी शिष्यवत भाव रखने वाला व्यक्ति है, वो अगर अपने गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान को भली भांति गंभीरता के साथ ग्रहण करता है, उसको पीता है। यहाँ पर ग्रहण करने के लिए बार बार पीने शब्द का प्रयोग किया गया है, आप इसको समझिए। जो भी गुरु की बातों को मानता है और भली भांति उस पर आगे बढ़ता है, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में अमरता को प्राप्त करता है। तो इसलिए पूरे पद में गुरु की महत्ता की चर्चा की गई। तो आप देख रहे हैं कि गुरु का महत्व आपके जीवन में कितना है। और यहाँ पर कहा गया कि जिस राम नाम की घुट्टी को गुरु ने पिलाया है, उसको पीने के बाद मेरा मन एकदम साफ हो गया, चिंताएं दूर हो गई। और यही नहीं, राम नाम की औषधि दवा पीते ही तुरंत जितनी कुमति थी, जितना मेरा मन डाइवर्ट हो रहा था, इधर उधर जा रहा था कि कोई किताब ऐसी तो नहीं है जो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, कोई ऐसा चैनल तो नहीं है जिसे मैं नहीं देख पा रहा हूँ, या फिर हमेशा कुछ देर में किताब पढ़ रहे हैं, कुछ देर में मोबाइल उठा ले रहे हैं, कुछ देर में टॉयलेट चले जा रहे हैं, कुछ देर में टहलने लग रहे हैं, कुछ देर में परेशान होने लग रहे हैं, ये सारी चीजें दूर हो गई क्योंकि गुरु ने बता दिया कि बेटा किस तरीके से आपको पढ़ना है, तैयारी करना है, कैसे आपको चीजों को कंट्रोल करना है। जिस चीज को ब्रह्मा विष्णु भी नहीं प्राप्त कर पाए, यानी अमृत की बात यहाँ पर की जा रही है, उस चीज को शंभु, आप लोग यहाँ पर शंभु की तरह है, शिव शंकर ने उस अमृत को पाने के लिए अपना पूरा जन्म ही दांव पर लगा दिया, जीवन बिता दिया। इसीलिए कहा जाता है नीलकंठ, कि उनका जो कंठ नील हुआ है वो कहीं कहीं अमृत और विष दोनों का पान करने के बाद इस तरीके की स्थिति आई है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है प्रतीकात्मक रूप में कि आप लोग शंभु को जरूर अपने ध्यान में रखिए कि आपकी स्थिति शंभु की तरह होनी चाहिए। और जब आप अपने पूरे समय को बढ़िया से उस अमृत पान में लगाएंगे, तो कबीरदास कहते हैं कि गुरु की इस ज्ञान रूपी अमृत को पाने के बाद, उसका पालन करने के बाद, उसको भली भांति तृप्त होकर ग्रहण करने के बाद, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अमरता को न प्राप्त करे। ठीक है, तो इस पूरे पद में राम नाम की महिमा का वर्णन किया गया, यानी कि नाम स्मरण पर जोर दिया गया। यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, आप देख रहे हैं अधर कटोरी। अब तो मेरे विद्यार्थी तुरंत समझना शुरू कर दिए होंगे पद को देखते ही। नाम औषधि, यहाँ पर देख रहे हैं रूपक अलंकार, ब्रह्मा विष्णु, ठीक है, ये भी है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार, भाषा सधुकड़ी का प्रयोग किया गया है, बाकी चीजें समझ में आ गई। आगे बात करते हैं, अगला जो पद है, कबीर भाटी कलाल की बहुतक बैठे आई, सिर सौंपे सोई पिए, नहीं तो पिया न जाए, हरि रस पिया जाड़िए, जे कबहू न जाए कुमार, मैं ममता भूमत रह नाही तन की सार, तपय रसायन मैं किया हरिसा और न कोई, तिल एक घट में संचरे तो सब कंचन होय। तो यहाँ पर इस पद का पाठ हमने किया और उम्मीद यही किया कि आप लोग भी इसके साथ साथ पढ़ रहे होंगे, मतलब इसका पाठ अपने मन में कर रहे होंगे। कबीरदास कहते हैं, अभी गुरु की बात पिछले पद में हमने किया, यहाँ पर कहते हैं कि गुरु रूपी मदिरा विक्रेता के यहाँ बहुत सारे साधक यानी शिष्य बैठे हुए। कबीर भाटी, भाटी क्या है, जैसे
शराब का भट्टा होता है, ईट का भट्टा होता है, मतलब व्यापार जहां पर होता है। तो कहते हैं कि गुरु भी जो अपने ज्ञान को प्रचारित प्रसारित कर रहा है, एक तरीके से वो क्या है, विक्रेता है, ज्ञान को बेचता है। और आजकल गुरुओं की संख्या कुछ ज्यादा ही हो गई है, ठीक है, ऐसे विक्रेताओं की। कबीर भाटी कलाल की बहुतक बैठे आए, मतलब गुरु जो है उस विक्रेता की तरह हो गया है जिसके सामने बहुत सारे शिष्य बैठे हुए हैं उसकी भट्टी पर। यहाँ पर भी एक तरीके से देख लिया जाए, ये एकेडमी है, लेकिन हमने तो कोई फीस इत्यादि नहीं रखी हुई है, लेकिन ये मानकर चलिए कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो ओपन प्लेटफॉर्म पर खोजते फिरते आ ही जाते हैं और वो फिर देखना शुरू करते हैं। यहाँ पर कोई एक दो विद्यार्थी तो है नहीं, यहाँ पर हजारों विद्यार्थी हैं। तो इस व्यापार केंद्र पर, इस गुरु रूपी व्यापार, ज्ञान व्यापार केंद्र पर बहुत सारे शिष्य बैठे हुए हैं। और आगे की क्या स्थिति है, सिर सौंपे सोई पीवे, नहीं तो पिया न जाए। आगे कहते हैं कि इसे वही पी सकता है, मतलब इस ज्ञान को वही ले सकता है जो अहंकार रूपी सिर काटकर गुरु के चरणों में सौंप दे। कौन ज्ञान प्राप्त कर सकता है, जिसके अंदर अहंकार नहीं होगा। इसलिए कबीर के पदों में आप देखेंगे अहंकार की भावना का भी निषेध किया गया है, उसको प्रमुखता नहीं दी गई, ठीक है। ज्ञान कब मिलेगा, जब आप अपने सिर सौंपे सोई पीवे, जब अपने सिर को गुरु के चरणों में सौंप देंगे, यानी कि आप एक तरीके से चरणवत या फिर नमन बंदन करेंगे, अहंकार आपके अंदर नहीं होगा। नहीं तो पिया न जाए, नहीं तो आगे कहते हैं अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो शिष्य इस रस को पीने का अधिकारी नहीं है। रस मतलब ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। आप कितना भी अच्छा गुरु, लेकिन शिष्य में अगर अहंकार है तो ये मानकर चलिए इस गुरु द्वारा दिया गया ज्ञान शिष्य के अंतर्मन में या फिर उसके दिमाग में नहीं घुसेगा, वो कितना भी उसको ग्रहण करेगा। मान लीजिए मैं इतनी देर से आप सभी को व्याख्या समझा रहा हूं और समझाने का प्रयास कर रहा हूं, मैं अपने वीडियो को वायरल कराने के लिए या फिर बहुत टाइम लगाने के लिए नहीं बना रहा, क्योंकि मेरी कोशिश है कि आप चीजों को समझे। लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसे विद्यार्थी हों जिनको लग रहा होगा कि यहाँ पर ये क्या पका रहा है, ये क्या इतना बोल रहा है। तो फिर हो सकता है कि वो हर बार एक दो नंबर से पीछे रह जाए, क्योंकि चीजों को समझाने के लिए आपको तो समय देना ही पड़ेगा। यहाँ पर भी कबीर कह रहे हैं कि अगर आप इस गुरु के ज्ञान रूपी विक्रेता केंद्र पर आए हुए हैं तो पूरे अहंकार को आप इस गुरु के चरण में रख दीजिए, यानी त्याग दीजिए। मेरा चरण आप लोगों को कहाँ मिलेगा, त्याग दीजिए अहंकार को, नहीं तो आप जिस ज्ञान के लिए आए हुए हैं उसको हो सकता है कि ठीक से न ग्रहण कर पाए। तो ऐसे मेरे विद्यार्थी तो सब बहुत अच्छे हैं और उनमें कहीं कोई अहंकार नहीं है। आगे कबीरदास कहते हैं, हरि रस पिया जानिए जे कबहु न जाय खुमार। आगे कहते हैं कि जिसने ब्रह्मानंद की मदिरा का पान कर लिया है, हरि रस, यहाँ पर हरि रस में आप देख रहे हैं रूपक अलंकार है, आपको तुरंत आ गया होगा दिमाग में रूपक। हरि रस पिया जाड़ी, जिन लोगों ने ब्रह्म का, इसीलिए रस को कई बार आप लोग पढ़ते होंगे ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है, इसको ध्यान में रखिए, जो भी विद्यार्थी काव्य शास्त्र पढ़े होंगे, रस को कहा गया है ब्रह्मानंद सहोदर, यानी कि इस ब्रह्म का जो भी रसपान किया होगा, जे कबहु न जाय खुमार। तो इसलिए खुमारी, उनका नशा, उनकी जो खुमारी है, उनका जो नशा है, वो कब कभी नहीं जाएगा। यानी कि एक बार आप इस चैनल से मोहब्बत करने लगे, आप अपने को इसमें लीन कर दिए, अपने अहंकार को त्याग दिए, तो यहाँ से बहुत सारा ज्ञान आपको मिल सकता है और आप अपने जीवन में सफल भी हो सकते हैं। तो व्यवहारिक रूप से भी मैं व्याख्या बताना चाह रहा हूँ, और इसके जो पारंपरिक व्याख्या है वो तो आप समझ ही रहे हैं यहाँ पर, कि अगर आपने एक बार ब्रह्मानंद सहोदर यानी कि रस का पान कर लिया तो आप बार बार इसको करना चाहेंगे, ये नशा दूर नहीं होगा। क्योंकि जैसे शराब में अगर किसी का मन लग जाता है तो बार बार उसको ग्रहण करता है, इसीलिए किसी का अगर पढ़ाई में मन लग गया तो बार बार वो पढ़ने का प्रयास करता है, जो जिस एरिया में चला जाता है वो देखना। अगर किसी को मोबाइल की लत लग गई तो वो कितना भी उसको मना किया जाए वो नहीं मान पाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। आगे कबीरदास कहते हैं, मैं ममता
घूमत रहे, मैं ममता घूमत रहे ना ही तन की सार। मैं ममता का अर्थ भी पूछा जा सकता है, इसका है मद माता। ठीक है, कोई कब मद माता है, आप इस शब्द के अर्थ को महसूस कीजिए। मद माता हुआ कोई कब चलता है, जब वो पूरा एकदम आनंद की स्थिति में रहता है, एकदम जिसको कई बार बोलते हैं लुंड हो जाना। मैं ममता घूमत रहे, और व्यक्ति साधारण नशे का कुमार तो थोड़ी देर ही रहता है, लेकिन वो जो व्यक्ति है जो इस रस का पान कर लिया है, वो देश दुनिया से बेखबर रहता है और नशे में मस्ती के साथ घूमता रहता है, चलता रहता है ना ही तन की सार। उसको अपने शरीर की सुध बुध के बारे में कोई पता नहीं है, कैसे चल रहा है, भले देखने वाले उसको देखकर हंस रहे हैं, लेकिन वो तो पूरा लीन है। मैं एक बार प्रयागराज गया था इलाहाबाद, कुछ बच्चों को मैंने देखा कमरे में, वो सब मतलब बनियान और अंडरवियर पे ही बैठ कर पढ़ रहे थे, एकदम लीन थे, उनको ये नहीं पता था कि कौन उनको देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। हाँ, वहीं पर मैंने कुछ बच्चों को देखा कि वो बार बार देखने वाला जो दर्पण होता है, शीशा होता है, होता है, उसमें जा जाकर बस अपना चेहरा देखते थे। तो इसलिए आप जब किसी चीज में रम जाते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि आप वो कौन देख रहा है, कि आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना उसमें रसलीन है। तो इस चीज को भी कभी आप अनुभव जरूर करिए। ठीक है, आगे कबीरदास कहते हैं, सबे रसायन मैं किया हरिसा और न कोई। और ये भी कहा जा सकता है कि सभी रसों का रसास्वादन करके, यानी सभी रसों को अनुभूत करने के बाद ये भी पता चल जाएगा कि हरि सा कोई नहीं है, यानी ब्रह्मानंद रस में, या फिर जो परमात्मा है जिसमें आपका दिल लग रहा है, उसके जैसा रस और किसी में नहीं है। अगर इस चैनल से मैं जोड़कर इसकी व्याख्या करूं तो मान लीजिए आपने बहुत जगहों पर बहुत सारी चीजों को देखा, तो आपको बाद में हो सकता है, क्योंकि आपको इस चीज का मूल्यांकन करने के लिए एक से अधिक जगह जाना पड़ेगा, इसीलिए आपको पता चलेगा कि कौन बेहतर है कौन नहीं बेहतर है। सबे रसायन मैं किया, मैंने तो ऐसे सभी रसों का पान किया, लेकिन बाद में पता चला कि हरी सा जो रस है उस कहीं पर नहीं। यानी कि मान लीजिए आप कई बार बोलते हैं अपने जीवन में कि मैंने खाना तो बहुत जगह खाया था, लेकिन इसने जो खाना खिलाया, क्योंकि आपको उसका स्वाद पता है, जब स्वाद ही नहीं पता रहेगा। यहाँ पर फिर से एक बार ज्ञान मार्गी शाखा की यहाँ पर प्रतिपादन होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि कबीरदास ज्ञान मार्गी शाखा में भी आते हैं, तो हमेशा वो ज्ञान की भी बात करते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव की बात करते हैं। चीजें हो सकता है कि आपके दिमाग में धीरे धीरे आ रही होंगी, आपको अच्छा भी लग रहा होगा। आगे कहते हैं, तिल एक घट में संचरे तो सब कंचन हो। और कहते हैं कि अगर यह जो ब्रह्मानंद रूपी रस है, इसकी विलक्षणता ऐसी है कि अगर इसकी एक बूंद भी, तिल लोग बोलते हैं ना, तिल तिल भर एक बूंद भी इस घट में संचरे, इस घट में, इस शरीर में प्रवेश करे, ये मानकर चलिए कि सभी क्या हो जाएगा, एकदम जो शरीर है वो सोने की तरह एकदम चमकने लगेगी। इसका इतना महत्व है, आपको पूरा गिलास भर या फिर जग भर के, या फिर बहुत ज्यादा नहीं पीना है, अगर एक बूंद भी आपके शरीर में इसका प्रवेश होता है तो आपकी शरीर निर्विकार भावों से युक्त होकर सोने की तरह चमकने लगेगी। ठीक है, तो इस पूरे पद में आपने देखा कि कबीरदास ने गुरु की महत्ता का एक बार फिर से प्रतिपादन किया। यहाँ पर जो कलाल शब्द का प्रयोग किया गया है, ये गुरु के अर्थ में प्रयोग किया गया है, और गुरु की महत्ता को बताते हुए कबीरदास ने बताया कि गुरु के यहाँ पढ़ने के लिए तो बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन सही मायने में सफल वही होता है जो गुरु की हर बातों को ध्यान में रखता है, और वो इस चीज को ज्यादा महसूस करता है जो ज्ञान के महत्व को समझता है। अगर ज्ञान का एक बार नशा चढ़ गया तो फिर उसको कहीं अच्छा नहीं लगेगा, वो उसी में मदमस्त रहेगा, उसको किसी चीज की सुध-बुध नहीं रहेगी, उसको लगेगा कि ज्ञान और शिक्षा के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और किसी चीज में उसका मन नहीं लगेगा, और इसका अगर थोड़ा सा भी प्रभाव उसके शरीर पर पड़ता है तो उसका शरीर हमेशा कंचन की तरह, सोने की तरह चमकता रहेगा। और आप लोग व्यवहारिक रूप में प्रैक्टिकल करके देखिएगा, जिस दिन आप लगातार 2 से 3 घंटे पढ़ेंगे, उस दिन आप बहुत अपने को खुश महसूस करेंगे, आप बहुत अपने को शांत महसूस करेंगे कि मैंने आज कुछ पढ़ाई की है। जिस दिन आप
केवल मोबाइल पर रील्स देखते रह गए और घंटों समय बिता दिए। उस दिन आपका चेहरा एकदम कालिमामय युक्त होता रहेगा। आप बार बार टेंशन में रहेंगे, परेशान रहेंगे और आपको लगेगा कि मैंने कुछ नहीं किया। तो ये जो जितने भी पद लगाए गए हैं व्यवहारिक रूप से आपके जीवन से भी रिलेटेड है, इनको केवल ट्रेडिशनली पारंपरिक ढंग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है कि जितने विद्यार्थी हैं मेरी शैली को अच्छे से समझ रहे होंगे, वो मेरे हर एक शब्द को सुनने के लिए इंतजार में रहते होंगे और पूरा साथ मेरा देते होंगे, पूरा समय निकालकर वो पूरे वीडियोज को देखते होंगे और अपना नोट्स बनाते होंगे। आप लोग अपना प्यार इसी तरीके से देते रहिए, क्योंकि जब आप लोग देखेंगे, आप ही लोग मेरे मोटिवेशन है, आप ही लोग मेरे गुरु। एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं मैं आप लोगों से मोटिवेट होता हूँ। जब आप लोग वीडियोज को देखते हैं, जब आप अपनी सफलता का श्रेय मुझे देते हैं, तो मुझे लगता है कि चलिए मैंने कुछ किया है। तो इसको जरूर देखिए, अपने दोस्तों के पास भी इस चैनल को भेजिए, बताइए कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। बाकी तो धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।